नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हम लोग अपने प्रयागराज में आए हुए हैं। देखिए नैनी नए वाले पुल के बगल में हम लोग खड़े हैं और त्रिवेणी दर्शन होटल के अंदर हम लोग एंट्री किए हैं, जहां पे दोस्तों फ्लूटिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है। अभी जो कि योगी जी आए थे मेले के टाइम में, इसका उद्घाटन कर गए हैं और बोटिंग वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं दोस्तों। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आज हम लोग आए हैं, नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद बोट का भी इंजॉय करने के लिए सोच रहा हूँ। जैसा भी होगा, अगर कई लोग हो जाते हैं तभी बोट जाता है, नहीं तो फिर एक दो लोग तो नहीं जाता है, तीन लोग हो जाते हैं तब जाता है। तो देखिए अभी हम लोग यहीं खड़े हैं रेस्टोरेंट के बगल में। ये देखिए बैक साइड दिख रहा है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बगल में ये बोटिंग वाला दिख रहा है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम लोग बताते हैं। यहाँ पे आप लोग जरूर आइए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली के साथ ज्यादातर। दोस्तों जब भी आइए आप लोग फैमिली बच्चों को लेकर आइए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। ज्यादातर हमारे ख्याल से 3 बजे के बाद ही ज्यादा, उसके बाद सुबह उबह टाइम में, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रहा है, धूप है, लेकिन बट एसी तो लगी होगी, आ सकते हैं। लेकिन हम तो शाम के टाइम में आए हैं तो काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम सुनहरा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। रेस्टोरेंट का टाइमिंग है 12 बजे से बाकी 8 बजे तक का। सुबह के टाइम में आप बोटिंग के लिए आ सकते हैं, सुबह के टाइम में और शाम में भी, और बाकी दिन भर बोटिंग का तो दिन भर रहता है लगभग, और रेस्टोरेंट का 12 बजे से है शाम को 8 बजे तक। तो एक बार अगर आप लोग हमारे प्रयागराज आ रहे हैं तो जरूर यहाँ पे आइए, विजिट करिए और अपना नाश्ता पानी करिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए अंदर पूरा एसी लगा हुआ है, तैरता हुआ ये रेस्टोरेंट है जो कि यमुना नदी पर ये बना हुआ है, खूबसूरत है दोस्तों। तो आइए लेक चलते हैं दोस्तों, आइए फिर हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कि यहाँ पे निर्देश वगैरह लगा हुआ है और जो कि दोस्तों अभी भी यहाँ पे तैयारी चल ही रहा है। देखिए अगल बगल यहाँ पे हेलीपैड वगैरह बनाए जा रहे हैं, देख पा रहे हैं सामने नया वाला ब्रिज दिखाई दे रहा है, नैनी वाला जो 2004 में बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं सामने माँ यमुना। और इधर राइट साइड में दोस्तों इधर हेलीपैड बन रहा है इस साइड का, और सामने नैनी का पुराना वाला ब्रिज जो 150 साल क्रॉस कर चुका है। और ये सामने देखिए हम लोग चल रहे हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे, देख पा रहे हैं जो कि योगी जी अभी आए थे हाल में, उद्घाटन करके गए इसका। और ये जो दोस्तों इस तरफ से उस तरफ उस पे मतलब कि पानी पे जाने के लिए बना हुआ है, 51 मीटर का बना हुआ है इस साइड से उस साइड जाने के लिए, देख पा रहे हैं दोस्तों ये रेस्टोरेंट बना हुआ है सामने, पूरा लग्जरी रेस्टोरेंट है। और ये साइड साइड से बोटिंग करने के लिए इधर रास्ता बनाया गया है, इधर से जाके उस पे क्रूज पे चढ़ सकते हैं आप लोग। क्रूज पे दोस्तों किराया है 150 रुपया, सामने ये क्रूज है और बोटिंग करने वाला सामने छोटा सा ये देखिए दिखाई दे रहा है ये बाई साइड में, इसका 200 रुपया है जो कि 3 लोग होना चाहिए एक बार में। अब हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों, ये यूपी का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट है यमुना नदी पर। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये यहीं पे खाना वगैरह बनता है जो डिश वगैरह होता है, अपनी भाषा में तो हम खाना ही बोलेंगे देहाती भाषा में, बाकी डिश वगैरह। और देखिए इधर बाहर बैठने के लिए है और एक क्रूज इधर साइड में भी लगा हुआ है क्रूज, देखिए ये इससे आप लोग घूम सकते हैं जो कि इसका 150 रुपया किराया है, देखिए जो कि शाम होने वाला दोस्तों। तो हम लोग शाम की मीटिंग में आए हुए हैं यहाँ पे प्रयागराज में आप लोगों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिखाने के लिए। अभी हम आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाएंगे, देखिए अंदर का ये लग्जरी क्रूज है दोस्तों। आइए आपको किनारे किनारे घुमाते हैं, और एसी भी लगी हुई है अंदर, बाहर एसी का पूरा फैन वगैरह लगा हुआ है, अभी दिखाएंगे आपको। और सामने संगम क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस पुल के उस तरफ दोस्तों अकबर का किला दिखाई दे रहा है, ये देखिए सामने एकदम कुछ लोग देखिए बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। बोटिंग पूरा दिन चलता है यहाँ पे, और जो डिश वगैरह खाते हैं वो 12 बजे खुलता है। देखिए ये क्रूज है ये, और ये देखिए एसी वगैरह लगा हुआ है किनारे किनारे, ये देखिए जाने के लिए है क्रूज पर दोस्तों। यूपी में पहला ऐसा ये रेस्टोरेंट है जो पानी पर बना हुआ है, तैरते हुए पानी पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। देखिए अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं, देखिए लोग नाश्ता कर रहे हैं, अपना पानी में लुप्त उठा रहे हैं बैठकर। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आप लोग आइएगा जरूर, ये हमेशा खुला रहता है शाम को 8 बजे तक, 12 बजे से शुरू होता है, बाकी बोटिंग सुबह से होती है।
एक बार जरूर आइए प्रयागराज। देखिए नए यमुना पुल पुराने यमुना पुल के बीचों बीच में है ये, ऊपर तक वहाँ तक देखिए वहाँ तक बाइक आ जाती है, जहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है नारियल का, यहाँ तक बाइक आती है। आप लोग वहीं बाइक खड़ी कर दीजिएगा, फिर पैदल आइएगा यहाँ तक, जो कि 2025 महाकुंभ के लिए दोस्तों ये हुआ है, बना है, और 24 में ट्रायल हुआ है इसका, योगी जी उद्घाटन करके गए हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग भी लुप्त उठा लिए आज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का। ये देखिए देखिए लोग जा रहे हैं क्रूज में टहलने के लिए, लोग जा रहे हैं दोस्तों ये क्रूज में। यहाँ से अगर आप बैठेंगे तो ले जाएंगे पुराने यमुना पुल के नीचे, फिर वहाँ से नए यमुना पुल के नीचे ले जाएंगे, फिर वहाँ से देखिए रिटर्न ले आएंगे। इतना ही घुमाते हैं 200 रुपये में। तो दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।